नमस्कार दोस्तों, मैं लखन सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स वाई लखन सिंह में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, मतलब लासा मासा, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ठीक है, जो कि मेरे चैनल मैथमेटिक्स वाई लखन सिंह में आप जाओगे तो प्ले लिस्ट में सभी अवेलेबल हैं, अपलोडेड हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों, आज हमारा नंबर आता है सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का। तो देखिए, सरलीकरण दोस्तों एलडीसी के बेस पर अगर देखेंगे तो दोस्तों इस बार भी 2020 में जो एग्जाम हुआ है, इसमें भी इससे 50 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन हैं सिंप्लीफिकेशन के, ओनली सिंप्लीफिकेशन के 11 क्वेश्चन है दोस्तों। कम देखिए, एवरेज इसका परसेंटेज निकाल लो अब 22% कम, एक ही चैप्टर 22% वेटेज रखता है अपना, ठीक है, एक ही चैप्टर 22% वेटेज रख रहा है, तो मतलब आप समझ जाओ कितना इम्पोर्टेंट होगा ये। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सीरियसली लिया और इसको मतलब कम से कम 3-4 पार्ट में होगा ये, आराम से इसको करना है, सही से डीपली अच्छे से इसको करना है, ठीक है, और सिखाने का तरीका देखना, भी मज़ा आएगा आपको। मज़ा नहीं आए तो वीडियो नहीं देखना, और क्या बोलोगे, अब आपसे पैसे तो मैं ले नहीं रहा हूँ दोस्तों, लाइक नहीं करना, शेयर नहीं करना, और क्या है, देखना मत मेरा वीडियो, और कुछ नहीं। अगर मज़ा आए तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है, पहले आप देखिए वीडियो, ठीक है, उसके बाद ही बोलूँगा मैं आपको कुछ भी, ठीक है, अब पहले आप वीडियो देखिए। चलो देखते हैं, इसमें पहले बोला, देखो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन डिजिटल सम, डिजिटल सम के आधार पर सरलीकरण करेंगे हम। देखो देखो क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला 15 और 30 को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे 10 आ रहा है, प्लस यहाँ पे जो ब्लैंक है इस पे क्या आएगा। अब आप करोगे क्या है, देखो 30 और 10 45 45, ये 10 है तो यहाँ पे कितना ठोक दोगे आप, कितना ठोक दोगे, 35 ठोक दोगे ना, 45 हो रहे हैं टोटल, 10 यहाँ है, 35 यहाँ आ जाएगा, ये तो हो गया एकदम लल्लू संख्या दी है, ये बच्चा संख्या दी है, तब आप कर रहे हो, छोटी संख्या दी है बहुत सारी तो आप कर रहे हो, मतलब बड़ी संख्या दे देता है तो आप जोड़ोगे घटाओगे ये वो, टाइम लगेगा ज़्यादा। उसी के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए डिजिटल सम मेथड। देखो क्या करेंगे, 5 और 1 6, 3 और 0 3, 1 और 0 1, प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछा है, ठीक है, और देखो 6 और 3 9, 9 9 का मतलब खत्म, 0 बराबर बराबर कितना होता है, 1 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का हमको निकालना, मान 1 1 आ जाएगा इधर तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लो, जिसका मान 1 बैठे वही आंसर हो जाएगा, 5 5 और 3 8, इसका नहीं हो रहा है, 5 5 और 3 8 हो रहा है ये, और देखो 3 और 2 7 हो रहा है, और 5 और 6 9 हो रहा है, ये तो खत्म ही होगा, 0 हो जाएगा ये, और ये 4 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। देखो 9 यहाँ पर होगा, देखो 9 माइनस 1 होगा ये, ये 9 है ना, तो भी हम यहाँ पे इसको 0 लास्ट में देखते हैं इसका आंसर, 0 अगर लास्ट में 9 बचता है ना तब इसका वैल्यू नहीं रहता, 9 का वैल्यू डिजिटल सम में, ठीक है, अभी एक यहाँ पे बचा है तो एक इधर आएगा तो 8 बच जाएगा यहाँ पे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 इधर जाएगा -1 होके 8 बचेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ था तो 8 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में जिसका भी डिजिटल सम 8 हो जाएगा उसका आंसर वही हो जाएगा, 35 का 8 हो रहा है, देखो 5 और 3 8, तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा। इसको समझाने में आपको इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये टाइम लगता नहीं ज़्यादा। अब देखो आपकी समझ में बिल्कुल भी आया नहीं होगा, मुझे पता है डिजिटल सम का मेथड क्या होता है, देखिए उनके डिजिटों को गिनते हैं, जैसे 15 दिया, इसके डिजिटों को टोटल इनका योग कितना हो रहा है डिजिटों का, देखो 5 और 1 6 हो रहा है, 6 लिख लिया,
तीन और जीरो को जोड़ेंगे तो तीन हो रहा है, प्लस करके तीन लिख लिया। अब बराबर करके देखो, एक और जीरो एक होता है प्लस, यहाँ पे ये पूछा है तो हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमको पूछा है, तो 6 और 3 9 हो गए, एक इधर एक लिया इधर 8 बच गए, तो इसका मान कितना आ रहा, डिजिटल सम 8 आ रहा है। अब ऑप्शन में जिसका भी डिजिटल सम 8 आ जाएगा आंसर वही हो जाएगा, 5 और 3 8, इसका 8 आ रहा है तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 35 यहाँ पे आ जाएगा। तो 35 ऑप्शन दिया है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन था इसलिए लेंथी आपको समझ लग रहा होगा यार क्या सिखा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे नॉर्मल निकल रहा है क्वेश्चन। लेकिन आगे दोस्तों देखना, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो आराम से डिजिटल सम से कितनी जल्दी होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। हम अभी आप डिजिटल सम निकालना सीखिए, ठीक है। देखिए आप दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसने, 812 912 का डिजिटल सम क्या होगा, दो संख्याएं दी हैं 812, इसका डिजिटल सम पूछा है। तो देखिए 8 और 1 9, 9 और 2 8 और 1 9, ऐसे लिख लो, 8 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 और 8 11, ठीक है, 9 10 11 हो गया, 11 हो गया। अब फिर दो संख्या हो गई अभी जिनको फिर दोबारा से जोड़ दो, 1 और 1 जो 1 प्लस 1 2, तो इनका डिजिटल सम कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 912, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 912, 912 का डिजिटल सम निकालेंगे। देखो 9, 9 प्लस 1 प्लस 2, हमने बताया था कि 9 अगर 9 हो रहा है तो 9 को कर देते हैं खत्म, ठीक है। 9 तो गया काम से, बचा कितना, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो डिजिटल सम कितना हो गया, 3, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम 3 हो गया और इसका डिजिटल सम 2 हो गया, ये 9 था। इसको हमने देखो 9 का वैल्यू इसमें 0 हो जाता है, डिजिटल सम का ये रूल है, इसमें 9 9 तक आप पहुंच जाते हो तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक वैल्यू इसका रहता है, उसके बाद 9 आता तो उसका वैल्यू 0 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपकी समझ में आ गया होगा। चलो अभी देखो मैं यहाँ पे लिख भी दिया, जब भी 9 आए तो डिजिटल सम में उसे छोड़ देंगे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी देखो ये क्वेश्चन को करते हैं डिजिटल सम से। ये 253 प्लस 165 बराबर 200 बराबर, ये ऑप्शन दिए, ऑप्शन से देखेंगे। देखो एलडीसी में हमको ऑप्शन दिए जाते हैं ये तो कंफर्म है, तो डिजिटल सम हमारे लिए अच्छा है, हमको इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 का कितना हो गया, 1 है। और देखो 6 6 12 हो गया, 12 का कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। अब 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 यहाँ पर इधर 2 जाएगा तो माइनस होके कितना बचेगा, 2। इस पूरे का डिजिटल सम 2 आ रहा है, यहाँ पर जो संख्या आएगी इसका जिसमें से इसका डिजिटल सम 2 होगा आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए 5 6 7 5 6 7, इसका 7 है, 8 और 1 9, 9 हो गया कैंसिल, बचा कितना, 2 आंसर हो गया, ठीक है। 8 अभी करने की जरूरत ही नहीं आ गई, ठीक है, 8 और 1 9, 9 तो कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू कोई नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा, तो बचा कितना, 2, हमको 2 ही चाहिए था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 218, ठीक है। जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं, इसको आप जोड़ते हो उसके बाद 200 इसमें से घटाते, मानते हैं ये भी संख्या इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसको भी आप कर लेते। लेकिन आगे देखना, ये भी आपको टिपिकल लग रहा होगा लेकिन दोस्तों इसका प्रैक्टिस आप कर लोगे तो बहुत ईजी है। देखो इसमें से देखो
आठ और एक, आठ और एक नौ, गायब हो गया, बचा कितना, आठ। क्योंकि आठ और एक नौ, नौ का कोई वैल्यू नहीं है तो उसको रखेंगे नहीं, आठ बच गया। ठीक है, आठ और एक नौ, तीन बच गया, नौ तीन बच गया, तीन से तीन कट गया, क्वेश्चन मार्क बराबर आठ आ गया, आठ आ गया। अब देखो, पांच और तीन, तीन और पांच आठ, आंसर कितना टाइम लगा, कुछ टाइम लगा। ठीक है, आंसर आ गया 215 आ जाएगा यहाँ पर। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही करना है। अभी देखिए, इसमें जब माइनस आए ना तो डिजिटल सम निकालने के लिए उसमें 9 जोड़ देते हैं। मान लो जैसे ये डिजिटल सम टोटल निकल के लास्ट में ये 8 आया है, मान लो ये माइनस का रहता, माइनस 8 आता, तो यहाँ पे क्या करते, इसमें हम 9 हम जोड़ देते अलग से। माइनस जो डिजिटल सम माइनस आता है कुछ भी संख्या माइनस में, तो उसमें प्लस 9 कर देते हैं हम, तो उसका प्लस में वैल्यू आ जाती है, और जो प्लस में वैल्यू आती है वही उसका डिजिटल सम माना जाता है। आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए 845 है, देखो ये बड़ी बड़ी संख्या है, पांच छह संख्या दी, इन सबको जोड़ना, फिर इनको जोड़ना, फिर घटाना, कितना टिपिकल हो जाएगा। देखो, पांच और चार नौ, आठ नौ, और देखो सात और तीन दस, दस में से नौ का जीरो, एक बच गया, प्लस छह और दो आठ, ये खत्म, माइनस यहाँ पर क्वेश्चन मार के सॉरी, छह और छह बारह, बारह बारह में से नौ गई, क्योंकि नौ की वैल्यू खत्म है, जीरो है, नौ गए, बारह में से तीन बचे और पांच जोड़ दो, उसमें आठ है, वो इधर प्लस सात और चार ग्यारह, ग्यारह में से नौ गए तो दो, दो यहाँ बच गए, दो एक आठ से एक आठ काट दो अब सीधा, ये कितना हो गया, नौ माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर दो, और क्वेश्चन मार्क को इधर ले आओ, क्वेश्चन मार्क बराबर दो इधर आ जाएगा तो सात बच जाएगा। ठीक है, कितना है इसका, सात दो, और तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये सात आ रहा है, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, सात आ रहा है। अब सात को ऑप्शन में देख लो, जिसका डिजिटल सम सात होगा आंसर वही हो जाएगा। देखो, नौ से नौ गया, तीन और चार सात हो रहा है इसका, नहीं है, सात और दो नौ गया, चार और एक पाँच आ रहा है इसका, ये भी नहीं है। देखो, चार पाँच छः सात आठ नौ, ये नौ हो गए, बचा एक, ये भी नहीं है, आठ गया इसमें से एक गया तो चार बच गए, चार और तीन सात, इसका आ रहा देखो सात, तो आंसर हो गया ये। ठीक है, ये समझाने में आपको टाइम लग रहा है दोस्तों, लेकिन इसको बहुत इजी है, इसको इतना सारा जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, फिर इसको घटाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका। ठीक है, पेपर में खासकर तो यार डिजिटल सम से इजी रहेगा बहुत। ठीक है, और भी देखिए आप, अगर आपको मजा आ रहा ना तो बस देख लो आप। ठीक है, मजा आ रहा है तो बस मजा लो बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला, क्वेश्चन मार्क है ये, यहाँ पे कौन सी संख्या की उसने पूछी है, माइनस 164 बराबर 360 माइनस 272, तो ये तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। माइनस छः और चार दस, दस में से नौ गए तो एक बचा, और एक ये है तो दो हो गए यहाँ पे, बराबर सात और तीन दस में से नौ गए तो यहाँ पे एक आ जाएगा, सात और दो नौ, ये नौ चले जाएंगे, माइनस दो बच जाएगा, तो माइनस दो से माइनस दो कट रहा है सीधा सीधा, माइनस दो से माइनस दो, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, एक, डिजिटल सम इसका एक होना चाहिए, जिसका भी एक होगा वही हो जाएगा। देखो, नौ 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 एक, आंसर ये। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 × 13 गुणा मल्टीपल, मल्टीपल में भी डिजिटल सम लगाएंगे हम, देखो धुआं मचेगा, धुआं देखो अभी, दो और एक तीन गुणा तीन और एक चार, चार तीन बारह, बारह दो और एक तीन, डिजिटल सम तीन। ठीक है, छः छः और छः बारह, बारह बारह में से नौ हो गए तो तीन, आंसर ए, हो गया खत्म कहानी। ठीक है,
अब देखो दोबारा समझा देता हूँ एक बार आपको। सेम है, दोनों को जोड़ा 3, दोनों को जोड़ा 4, बीच में गुणा तो गुणा गुणा किया 12, 12 हो गया, तो मतलब दो संख्या फिर दोबारा हुई, फिर दोनों को जोड़ दो तो और एक 3, मतलब डिजिटल सम कितना है 3। अब जिसका भी डिजिटल सम 3 आएगा आंसर हो जाएगा। देखो 6 और 5 11 और 1 12, 12 और दो संख्या हो गई, दो संख्या हो गई, दोनों को जोड़ देंगे 12 को, देखो सॉल्व कर दो 12 को, दो एक 3 आ गया 3, या फिर टोटल हुआ 12, 12 12 में से 9 घटा दो, क्योंकि 9 की कोई वैल्यू नहीं है, 9 का वैल्यू 0 है, तो बचा कितना 3, तो 3 हमको चाहिए, हो गया आंसर 156 इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मजा आ रहा होगा सेशन में, ठीक है। चलो अभी बोलूंगा नहीं, बाद में, ठीक है, अभी आप समझो और समझोगी और समझो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 112 गुणा 133, देखो 3 अंकों की डिजिट है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा आप देख लो, 3 अंकों की संख्या है, दोनों तीनों का गुणा करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। देखो हम करते हैं 2 और 2 4 गुणा 3 3 6 और 1 7, 7 6 28, 8 और 2 10, 10 में से 9 गए तो बचा 1, डिजिटल सम 1, जिसका 1 आएगा आंसर हो जाएगा 8 और 1 9, 8, देखो 8 और 1 9, 6 और 4 10, 1 बचा 9 गए तो, और 8 1 बचा और 8 ये हो गई 9 हो गई, ये पूरा ही खत्म हो गया, 9 ये गया, 8 और 1 9 ये गया, 6 और 4 10, इसमें से 9 गई तो बचा 1, आंसर हो जाएगा 1, ये तो मतलब इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 14,896, ठीक है, कितना हो जाएगा 14,896। ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कितना टाइम आपका सेव हुआ, देखो 112 गुणा 123 में कितना टाइम लगता है, आपने क्या किया, सीधा डिजिटल सम किया 1, इसका देखा किसका 1 मार दिया खटाक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो 4 अंकों की संख्या, इसमें कितना टाइम लगेगा भाई, देखो अभी देखिए आप, ये तो क्वेश्चन भाई आराम से आपका 2-3 मिनट तो आराम से ले जाता, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 गुणा 3 9 और 1 10, 10 का 1 हो जाएगा, 9 उसमें से हट जाएगा ना, तो बराबर डिस्टेंस के कितना आ गया इसका 5 आ गया, जिसमें से इसका 5 होगा वही आंसर हो जाएगा, 9 गया, देखो 4 और 5 5 और 4 9, ये भी गया 9, ये भी गया 3 और 2 5, 5 आ गया, फर्स्ट वाला ही हो गया। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे, ठीक है, मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, गुणा जोड़ घटाव एलडीसी में आते हैं ऐसे, ठीक है, इसमें हमको टाइम बचाना है, और मैथ में यही टाइम लगाते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन ही हम लिबड़ जाते हैं, समझ में नहीं आते, नहीं समझ में तो आते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है, इनमें से ही हमको टाइम निकालना है इस तरीके से, ठीक है, डिजिटल सम का प्रयोग करना है। दोस्तों सेशन में मजा आ रहा है तो देखो मजा लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आ गया फिर आ गया गुणा, देखो एक और टेढ़ी मेढ़ी संख्या वाला, 58 56 49 इजिक्वल टू क्या आएगा, देखो 8 5 14 कितना बच गया सम, डिजिटल सम 3 आ गया, क्योंकि 14 में से 9 घटा देंगे तो बच गया 3, गुणा 6 5 11 कितना आ जाएगा 2, 9 घट जाएगा ना, 9 से 9 गया कितना आ गया 4, तो देखो कितना आ रहा है गुणा 3 6 6 24, 24 का कितना हो जाएगा 4 और 2 6, डिजिटल सम 6 आएगा जिसका आंसर वही हो जाएगा, देखो 9 गया 5 6 7 8 9, देखो 5 6 7 5 6 7 8 9 क्या बचेगा 5, ये नहीं है 9 5 6 7 8 9, 5 और 1 6 बच गया आंसर हो जाएगा, ये कितना टाइम बचा देखो, है सीधा मार देना है 6 दिखा मार दिया। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो दोस्तों जोड़ भी हो गया, घटा भी हो गया और गुणा भी हो गया डिजिटल सम से, अभी देखो एक लाजवाब क्वेश्चन, मजा आएगा एकदम, फुल फुल मजा आएगा दोस्तों। देखो क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड क्यूब ऑफ 31, 31 का घन क्या होगा, इसने पूछा है फाइंड क्यूब ऑफ 31, 31 का घन, मतलब आपको घन याद नहीं है, ठीक है, 31 का घन मैक्सिमम लोगों को याद नहीं रहता है, ठीक है, तो
तो आप क्या करोगे, 31 गुणा 31 गुणा 31 वही हो जाएगा ना। तो 31 का घन हम निकालते हैं, तो क्या करते हैं, 31 गुणा 31 गुणा 31, तो हम क्या करेंगे, देखो 31 को क्या लिख सकते हैं, 31 का डिजिटल सम कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब हमको 4 का घन निकालना है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 ये तो हो जाएगा। अब देखो इसका डिजिटल सम निकाल लो, 4 3 12 हो रहा है ना, 12 हो रहा है, सॉरी 12 नहीं, 1416 है, 1664 हो रहा है, 64 हो रहा है। अब इसका डिजिटल सम कर दो, 4 6 और 4 10, 10 में से 9 गए तो 1, इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। देखो अब एक देखो किसमें, 9 9 7 और 2 9, 1 बच गया, फर्स्ट आंसर, कहानी खत्म। डिजिटल सम से देखो कितना फास्ट हो गया, कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया, ठीक है। इसका डिजिटल सम लिया, इसका 3 और 1 4 हो गया, 4 गुणा 4 गुणा 4, इसका क्यूब निकालना था तो 4 का क्यूब 64, 64 का डिजिटल सम किया फिर दोबारा से 1, अब 1 जिसका भी डिजिटल सम है इसमें से वही आंसर हो जाता है खटाक से। दोस्तों मजा आया, मजा आया ही होगा, पक्का आया होगा मेरा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर मजा आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, आगे से इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए समय से, ठीक है। और प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को दबा लोगे तो आपके लिए फायदा है, उससे क्या है कि आपको तुरंत मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा और आप उसका फायदा उठा लोगे। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड क्यूब ऑफ 79, 79 का क्यूब पूछा उसने। देखो 79 एक बड़ी संख्या, इसका क्यूब तो किसी को याद रहता नहीं है, तो 79 गुणा 79 गुणा 79 करना है आपको, कितना टाइम लग गया। देखो इसका करो डिजिटल सम, 9 से 9 गया, बचा डिजिटल सम 7, और 7 का क्यूब कर दो अब है कितना हो जाता है इसका, 243 हो जाता है, 243 का 4 3 7 और 2 9 जीरो आ रहा है इसका, तो ठीक है डिजिटल सम कितना आ रहा है इसका, 0 सॉरी सॉरी 0 नहीं, इसका 343 होता है, सॉरी भूल गया। देखो 7 21 21 गुणा 7 नहीं 749 गुणा 7 343, तो 4 और 3 7 7 और 3 10, 10 का आ जाएगा 1, डिजिटल सम 1 आ जाएगा। अब जिसका भी डिजिटल सम 1 होगा वही हो जाएगा आंसर। देखो 9 9 4 और 3 6 और 4 10, 10 में से 9 गई, बचा 1, आंसर हो जाएगा 1 यही। इसका क्यूब 79 का क्यूब क्या होगा, 493039 हो गया आंसर, खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए भैया ये क्या बोल रहा है भाई, 1.96 गुणा 1.96 प्लस 1.04 इंटू 1.04 माइनस 2.08 गुणा 1.96 लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। देखो आप जो करते होंगे, देखो इसमें फॉर्मूला लगा दोगे आप, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab का, ठीक है यही होगा मैं है। इसमें क्या करेंगे, देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये क्या हो रहा है टोटल 1.96 और माइनस 1.04 का होल स्क्वायर, यही तो हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, देखो इसमें डिजिटल सम कैसे लगाएंगे हम, देखिए 1.96 है माइनस 1.04 है, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब इसका अंतर, ये इसको इसमें से अगर अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.92, ठीक है 0.92 बचेगा, 0.92। अब इसका ले लो डिजिटल सम, 9 से 9 गया, कितना आ गया, 2 आ गया डिजिटल सम, इसमें से जिसका भी 2 होगा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। छः और 4 10, 1 बच गया, 1 और 7 8 8 और 4 12, 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा, ये नहीं रहेगा। देखो 9 6 4 10, 1 बच गया और 4 5 हो गया, ये भी नहीं रहेगा, 5 और 4 9 ये गया, 8 और 4 12, 12 में से 9 तो 3, ये भी नहीं रहेगा। देखो 6 6 4 10, 1 बच गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया, 8 5 13,
13 हो गया, कौन सा रहा है डिस्प्लेसन इसमें? नहीं आ रहा इसमें यार, इसका कितना आ रहा है, 6 और 4 10, 10 में से एक बच गया, 5 हो गया, 5 8 5 13, 13 में से 9 जाएंगे तो 4, इसका 4 आ रहा है, इसका भी नहीं, इसका सॉरी दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक कर गया, इसका अंतर आ गया 2, अब इसका स्केयर भी तो हो रहा है, इसका हमने डिस्टेंस हमने निकाला 2, तो इसका भी तो स्केयर हो जाएगा 4, इसका डिस्टेंस 4 होगा ना कि 2 होगा, क्योंकि इसका उस ये वर्गमूल वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 4 इसमें से इसका आ रहा है आंसर। आशा करता हूँ आपके समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे आराम से, ठीक है, ऐसे करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 999 + 98/99 कोष्टक क्लोज और 99 का हो रहा मल्टीपल। देखिए इसमें क्या करेंगे फिर हम, 999 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 - 1 कोष्टक में +98/99 और पूरे कोष्टक कितना है 99, ये इतना समझ में आ गया होगा। अब एक संख्या योगी एक योगी इसमें ले लेंगे, 99 क्या एलसीएम आ जाएगा, यहाँ एक है तो इसमें जाएगा 99 का गुणा, तो ये होगा 99000, ठीक है, माइनस एक का गुणा करेंगे 99 हो जाएगा, प्लस 99 से 99 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 98, पोस्टक क्लोज ऊपर से 99। अब देखो 99 से 99 ये कट जाएगा इधर, अब और ये को ये कितने माइनस के 99 और ये प्लस के 98, तो क्या बचेगा, माइनस का एक बचेगा, तो इसमें से एक को घटा देंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ बचेगा 99989, कितना आ जाएगा 98999 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है, इसको संख्या देख के घबराना नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, कोई ट्रिक नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, ठीक है, एक बस थोड़ा सा दिमाग लगाया, 1000 को 999 को क्या लिख दिया, 1000 - 1, बस सॉल्यूशन कर दिया, सॉल्व कर दिया उसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखो इसमें बोला है 1 + 95 × 97 / 96 × 96, देखो 95 96 97 कुछ इसमें सीरीज सी लग रही है, क्या करते हैं, देखो 1 + 9 इसको 96 की फॉर्म में ले आते हैं, तो 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 - 1 लिख सकते हैं गुणा, अब 97 को क्या लिख सकते हैं, 96 + 1 लिख सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 95, इसको अगर जोड़ देंगे तो 97, नीचे 7 to 7 लिख दो 96 × 96। अब देखो ये एक है, एक प्लस, देखो a - b a + b क्या बनेगा फॉर्मूला, a - b a + b क्या होता है, a² + a² - b², तो ए स्क्वायर मतलब 96² - b² मतलब 1² एक ही हो जाता है, बट्टे 96² ये ए प्लस का ये माइनस का एक कट गया, और बच्चा क्या 96² / 96² ये भी कट गया, आंसर कितना आ गया 1। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऐसे करना है ये, इनको ऐसे क्वेश्चनों को हम बोलते हैं 1 + सीरीज, इनमें क्या 1 + होता है, 95 में प्लस हुआ 1 96, 96 में हुआ +1 97, तो इस प्रकार की जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें इनको ऐसे रगड़ देते हैं, ठीक है, ये जो 96 है ना इसकी फॉर्म में बना ले, इसको 96 की फॉर्म में 95 को 97 को हम चेंज कर करते हैं, 95 - 1 और 96 + 1 96 - 1 और 96 + 1 इस तरीके से, और वर्गांतर का फॉर्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभी देखो ये भी 9 8 9 7 7 6 7 7 7 8 ये भी 1 + सीरीज का क्वेश्चन है, देखो 7 6 7 7 7 8 हो रहा है, 1 + सीरीज हो रहा है, देखो यहाँ भी वही सेम कर देंगे 1 + इसको क्या लिख देंगे 76 + 1 77 हो जाएगा, नहीं 77 की फॉर्म में इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो 77 - 1 हो जाएगा, ये क्या लिख देंगे 9 9 8 7 7 - 1
ठीक है, माइनस वन आ जाएगा ये, समझ में आएगा आपकी। गुणा इसको क्या लिख देंगे, 998 और 7 7 कितना लाना है हमको, 7 लाना है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, लगा 7 7 की 6 की है, 7 लिखा हमने तो ये आ गया, और यहाँ पे लिख देंगे हमको 7 लाना है तो 7 8 लाना है ना, 7 8 लाना है तो 7 7 करके प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, बट्टे 9 9 8 7 7 9 9 8 7 8, ठीक है, तो नीचे के देंगे 9 9 8 7 7। अब वही सेम वर्गांतर का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो बचेगा कितना 1 प्लस ए स्क्वायर कितना है इसका स्क्वायर, 9 9 8 7 7 का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे, ये गुणा में तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 9 9 8 7 7 का स्क्वायर, ये कट गया और ये कट गया, बराबर कितना हो गया 1 आ गया आंसर। इसका आंसर आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन अगर 1 प्लस सीरीज वाला लग रहा है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 1 भी मार सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप निकाल लो आराम से, आंसर 1 ही आता है इस ऐसे क्वेश्चनों का, ठीक है। चलो अभी चलते हैं, अभी कुछ अलग से सीखते हैं, अभी क्या सीखेंगे हम, वर्गमूल, वर्गमूल सीखने की कोशिश करेंगे अभी हम, देखो वर्गमूल किस तरीके से हम निकालेंगे दोस्तों। वर्गमूल में अब देखो, वर्गमूल को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं तक है, ठीक है, और वर्गमूल को हम नेक्स्ट बार अगले भाग में देख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने पूरा आपका डिजिटल समझ ये हो गया इसमें, ठीक है, अगर आपको वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो, नया चीज़ आपको लग रहा हो, तो इसको दोबारा देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। और देखो ये चीज़ दोस्तों पक्का आपका एग्जाम में टाइम बचाएगी, अगर आपको मैथ में टाइम लगता है तो। देखो सिंप्लीफिकेशन में दोस्तों कम से कम 20% क्वेश्चन आते हैं LDC में, तो इसमें टाइम तो पक्का बचाएगा ये, ठीक है, इसलिए इस मेथड को एक बार सीख लो आप, ठीक है। चलो ठीक है फिर दोस्तों, नमस्कार, बाय, चलते हैं।